गाइस यहाँ पर आप लोग देखो मेरे हाथ में आपको एक रियलमी का फोन दिख रहा है। आपको बताना चाहता हूँ इसमें दिक्कत क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी। गाइस यहाँ पर जो इसका चार्जिंग जैक था गाइस ये खराब था, मैंने चार्जिंग जैक चेंज कर दिया गाइस, हमारा फोन चार्ज भी होने लगा, सब कुछ सही है गाइस। मगर गाइस इसमें दूसरी प्रॉब्लम आ गई है गाइस, जो इसका SMD माइक होता है गाइस वो खराब हो चुका। आपके साथ भी ऐसा होता है गाइस, जब भी आप लोग चार्जिंग जैक को लगाते हो, चेंज करते हो गाइस, यहाँ पर जो SMD माइक होता है गाइस ये खराब क्यों हो जाता है? तो आप लोग यार कैसे यहाँ पर माइक को लगाओगे, कैसे आपको लगाना होगा माइक खराब ना हो गाइस, ठीक है? तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आप लोगों के भी साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गाइस, जब आप लोग चार्जिंग जैक को लगा देते हो और माइक खराब हो जा रहा है, तो गाइस आप लोग ये वीडियो को कट मत करना गाइस, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ हो रहा है गाइस, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग चार्जिंग जैक लगा दीजिए, एक बार में लग जाएगा और माइक खराब नहीं होगा। कैसे क्या करना होगा मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस मेरे साथ हुआ है, 2-3 माइक खराब हो चुके हैं गाइस इसी प्रकार चार्जिंग जैक लगाने के उसमें। तो चलो गाइस यहाँ पर फटाफट इसका मैं बैक पैनल खोलता हूँ, गाइस इसका हम लोग यहाँ पे प्लेट निकालते हैं गाइस। हमारा फोन अच्छी तरह से चार्ज हो रहा है गाइस, चार्जिंग में कोई भी दिक्कत नहीं, मगर गाइस इसमें माइक की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आप लोगों के साथ ये दिक्कत ना आएगा इस, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कस्टमर आएगा चार्जिंग चेंज कराएगा, कहेगा ये फोन चार्ज नहीं हो रहा, आप लोग चार्जिंग जैक नया डाल दोगे फोन चार्ज होने लगेगा, मगर गाइस उसमें एक अलग समस्या आ जाएगी जो माइक वाली गाइस। कस्टमर होगा वो आपसे कहेगा पहले तो ये फोन से बात हो रही थी, सब चीज़ सही था, तुमने जब से चार्जिंग जैक लगाया तभी से प्रॉब्लम आई, तो आपको यार दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस आप लोग ध्यानपूर्वक जब भी आप लोग चार्जिंग जैक चेंज करो, बदलो, तो आपको ध्यानपूर्वक करना गाइस, आप लोगों को माइक खराब ना हो, ठीक है गाइस? और गाइस आप लोग जो जो कमेंट करते हो आपको उसके हिसाब से वीडियो मिल जाएगी। आप लोग थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि गाइस अकेला इंसान हूँ यार, फोन भी बनाता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ और यहाँ पर स्टंट भी करता हूँ और घर का भी काम करता हूँ, इसलिए गाइस सब कुछ एडजस्ट करता हूँ अकेले गाइस, ठीक है? तो आप लोग यार ये मत सोचना करण भाई ये नहीं बनाते हैं, मैंने कमेंट किया था। तो आप लोग जो भी कमेंट करते हो गाइस मैं कमेंट को पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। मगर गाइस ये फोन मेरे पास आया है, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। आप लोगों के भी साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जब भी आप लोग चार्जिंग जैक चेंज करोगे गाइस वहाँ पर माइक खराब हो सकता है। यहाँ पर देखो ये SMD माइक लगा गाइस, ठीक है? तो ये गाइस यहाँ पर डैमेज हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग लगाओगे, आपका माइक एक बार में लग जाएगा गाइस। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये निकाल लेना गाइस कनेक्टर, ठीक है? और गाइस यहाँ पर ये देखो, ये हम लोग इसकी जो PCB निकाल लेंगे गाइस। देखो ये PCB आसानी के साथ मार्केट में मिल जाती है, 90-100 रुपए की मिल जाएगी, आप लोग इसे नाई भी लगा सकते हो। मगर गाइस आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए। यहाँ पर देखो मैंने चार्जिंग जैक नया लगाया गाइस, और यहाँ पर गाइस जब हम लोगों ने हीट मारा, जब हम लोग ये चार्जिंग जैक यहाँ से निकालते हैं या आप लोग सोल्डिंग आयरन यूज़ करते हो गाइस, ये जो माइक होता है बहुत ही नाजुक होता है, ख़राब हो गया है गाइस। तो आपको बताऊँगा कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम लोग ये माइक को निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ जिससे हम लोग थोड़ा ऐसे कर देंगे, ठीक है? पहले हम लोग यहाँ पर माइक निकालेंगे और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा पाऊँ अच्छी तरह से। यहाँ पर देखो ये मैंने जूम कर दिया है, अब आपको यहाँ पर क्लीन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको ये माइक को निकालना है, हम लोग अपनी SMD मशीन स्टार्ट करेंगे गाइस और ये माइक को निकालेंगे। आपको बताता हूँ कैसे आप लोग माइक को लगाओगे गाइस, आपका माइक कभी भी ख़राब नहीं होगा गाइस, एक बार में लग जाएगा, ओके गाइस? और यहाँ पर जब भी आप लोग चार्जिंग जैक चेंज करोगे माइक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइस मैं ऐसे करके अपनी SMD मशीन हीट कर लेता हूँ। और गाइस आपको बताता हूँ जब भी आप लोग जैसे चार्जिंग जैक चेंज कर रहे हो, चाहे कोई भी चार्जिंग जैक को चेंज कर रहे हो, जहाँ पर माइक लगा रहा है गाइस इसे आप लोगों को ढक देना गाइस, किसी पत्ती की ऐसे देखो, किसी पत्ती से आप लोगों को ऐसे करके इसे ढक देना गाइस, माइक पे हीट ना पड़े, आप लोग ध्यान रखना। या हीट सिंक टेप आता है गाइस, टेप आता है हीट वाला, तो आप लोग वो टेप भी लगा सकते हो। यहाँ पर देखो ये मैं गाइस यहाँ पर माइक निकाल रहा हूँ अपनी SMD मशीन की मदद से, आपको बताता हूँ कैसे लगाओगे। यहाँ पर देखो मैंने माइक निकाल दिया, अब गाइस यहाँ पर देखो हम लोग कंपनी की तरह माइक लगाएंगे गाइस, यहाँ पर हम लोग कोई भी वायर नहीं यूज करेंगे गाइस, ऐसे ही लगाएंगे जैसे माइक लगा रहता है गाइस। यहाँ पर देखो जैसे माइक लगा है उसी प्रकार हम लोग लगाएंगे गाइस। तो चलो गाइस यहाँ पर एक मैं नया माइक ले लेता हूँ गाइस, आपको फिर लगा कर बताता हूँ कैसे आप लोग क्या करोगे माइक आपका ख़राब ना हो गाइस। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना गाइस, वीडियो को कुछ भी मैं कट नहीं करूँगा, आप लोगों के सामने करूँगा गाइस। यहाँ पर देखो ये जियो का फोन है, इसमें यहाँ पर देखो 3 पिन वाला माइक मैं लगा रहा था, जो इसमें लगा था गाइस, यहाँ पर देखो इसमें सप्लाई नहीं आ रही थी, इसलिए गाइस यहाँ पर जंपर वायर की मदद से यहाँ पर ये जो जियो का फोन है जंपर वायर की मदद से यहाँ पर ये माइक लगा रहा था। माइक यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ गाइस, और यहाँ पर हम लोग दूसरा माइक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो यहाँ पर ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे नया माइक गाइस। ये देखो ये हमारा नया वाला माइक है, ये देखो गाइस ये नया वाला माइक, ओके गाइस। अब यहाँ पर हम लोग जियो फोन को उधर रख देंगे। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले गाइस देखो यहाँ पर आपको थोड़ा पेस्ट लगाना, बिल्कुल हल्का पेस्ट लगाना गाइस, ठीक है? बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं लगाना। ये देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्का पेस्ट लगाऊंगा, एक बार पे हमारा माइक लग जाएगा। और गाइस यहाँ पर हम लोग जंपर वायर कुछ नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे ही लगाएंगे जैसे कंपनी तरह लग के आता है। ये देखो
यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को पेस्ट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना गाइस। ओके, यहाँ पर देखो थोड़ा मैंने पेस्ट लगा दिया। अब गाइस यहाँ पर जो आप लोगों की असेंबली मशीन रहे गाइस उसका हीट आप लोगों को ज़्यादा कर देना है और जो एयर रहे आप लोगों को कम कर देना गाइस। यहाँ पर देखो ये एयर मैंने कम कर दिया, हीट ज़्यादा कर दिया। अब गाइस आप लोगों को माइक ऐसे करके पकड़ लेना, सबसे पहले आप लोगों को माइक ऐसे करके पकड़ लेना है। यहाँ पर देखो जैसे लगा रहा है उसी प्रकार आप लोग अपने हिसाब से इसे पकड़ लेना ऐसे करके। देखो ये ऐसे करके लगेगा गाइस, यहाँ पर देख लेंगे। ओके, ये ऐसे करके लगेगा। अब यहाँ पर आपको ऐसे करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोगों की असेंबली मशीन रहेगा इस आपको यहाँ पे हीट मारना है ऐसे करके। अभी माइक आपको दूर रखना है गाइस, एक बार लग जाएगा ऐसे करके आप लोगों को हीट मारना है और ऐसे करके आप लोगों की इसे यहाँ पर रख देना गाइस, ठीक है। फिर से हम लोग हीट मारेंगे यहाँ पर, माइक पर हीट ना पड़ेगा इस। ओके गाइस, इस प्रकार आपको करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देखो अभी ये माइक लगा नहीं, अब यहाँ पर आपको नीचे से हीट मारना है, ठीक है गाइस। आप लोग ध्यान रखना नीचे से, आपको बिल्कुल ऐसे करके देखो ऐसे नीचे से हीट मारना है, ये अपनी जगह पर लग जाएगा गाइस ऐसे करके नीचे से। ओके गाइस, यहाँ पर देखो हमारा माइक लग चुका है, देख लो। इस प्रकार आपको माइक लगाना है गाइस, अभी मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लोग देखो हमारा माइक लग चुका है गाइस, और थोड़ा मैंने वीडियो को कट कर दिया था गाइस क्योंकि एक कस्टमर आ चुके थे, मुझे उनकी बात को भी सुनना था गाइस, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार माइक लगाइए गाइस। तो आपको करना क्या होगा, देखो आप लोगों को ये असेंबली जो माइक रहा है इसे आप लोगों को बाहर रखना है और यहाँ पर हीट मार देना, फिर उसी हीट पर आपको इसे लगा देना जैसे मैंने वीडियो पर आपको दिखाया। और फिर गाइस आपको यहाँ पर देखो ऊपर से हीट नहीं मारना, आप लोगों को बगल से हीट मारना है, बैठ जाएगा ऑटोमेटिक गाइस। आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये बैठ चुका है गाइस, हम लोग इसकी टेस्टिंग करते। थोड़ा वीडियो को मैंने कट कर दिया था गाइस क्योंकि कस्टमर आ चुके थे, मैंने आपको बता भी दिया। यहाँ पर देखो ये खराब वाला माइक है और ये हमारा नया माइक। अब देखते हैं ये माइक हमारा एक बार फिर लगा है या नहीं लगा, आप लोगों के सामने होगा। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक बार इसे साफ कर लेना थिनल की मदद से, पेट्रोल की मदद से आप लोग इसे क्लीन कर लेना। तो यहाँ पर देखो मैं थिनल का यूज़ कर रहा हूँ गाइस, ये देखो ये ऐसे करके आप लोगों को साफ कर लेना गाइस। देखो आपको पास दिखा दूँ, देखो ये हमारा माइक लग चुका है गाइस, आप लोग यहाँ पर देख लो। आप लोग जब भी चार्जिंग जैक लगाते हो गाइस ये समस्या आप लोगों के भी पास आ रही, तो आप लोग इस प्रकार माइक लगाइए गाइस। और यहाँ पर जब भी आप लोग चार्जिंग जैक बदलें चेंज करें तो आप लोगों को यहाँ पर गाइस किसी इसे ढक देना, जो माइक रहे किसी सामान से आप लोग ढक देना, या यहाँ पे हीट टेप आता है, मतलब टेप एक हीट वाला आता होगा इसे आप लोग वहाँ पर लगा देना माइक में, हीट ना पड़ना चाहिए। हीट थोड़ी भी पड़ेगी तो माइक ख़राब हो जाएगा, और ख़राब हो जाता तो आप लोग इस प्रकार माइक को लगाइए, कभी भी ख़राब नहीं होगा गाइस। चाहे जियो का फ़ोन हो, कोई भी एसएमडी माइक हो, तो आप लोगों को इस प्रकार लगाना। अब एक बार हम लोग इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, हमारा माइक एक बार फिर लगा है या नहीं लगा आप लोगों के सामने होगा गाइस। यहाँ पर मैं जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने जूम आउट कर लिया गाइस। अब यहाँ पर हम लोग प्लास को उधर रखेंगे, अब यहाँ पर ये पीसीबी को हम लोग लगाएंगे गाइस, फटाफट करते हैं गाइस क्योंकि वीडियो बड़ी ही लंबी हो चुकी है गाइस। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोगों को पूरा कुछ समझ में आना चाहिए। तो गाइस इसे मैं ऐसा करके पैक करूँगा, वीडियो को कुछ भी मैं कट नहीं करने वाला हूँ गाइस। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, नेटवर्क वाला एंटीना हम लोग लगा देंगे। और बहुत सारे भाई गलती क्या करते हैं, जब भी वो चार्जिंग जैक लगाते हैं यहाँ पर जो नेटवर्क वाला एंटीना होता है इसे लगाना भूल जाते हैं। तो आप लोग गाइस ये सब ध्यान रखना, ये देखो ये मैंने लगा दिया ऐसे करके। अब यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ा यहाँ पर एक दो स्क्रू लगा देंगे, इस पूरे स्क्रू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सभी हम लोग इसे टेस्ट भी करेंगे हमारा माइक एक बार फिर लगा है नहीं लगा है अच्छी तरह से। तो गाइस यहाँ पर मैं स्क्रू लगा देता हूँ, दो तीन स्क्रू लगा देंगे, पूरे नहीं लगाएंगे। बाकी हम लोग यहाँ पर ये यहाँ पर देखो गाइस मैंने दो स्क्रू लगाया, एक और लगा दूंगा यहाँ पर क्योंकि हमारा रिंगर बजे, क्योंकि गाइस ये जो माइक आते हैं 3 पिन 4 पिन 5 पिन वाले बड़े ही नाजुक होते हैं गाइस। तो आप लोग यार ध्यान रखना, जब भी आप लोग माइक लगाइए इस प्रकार करिए, और जब भी आप लोग चार्जिंग जैक लगाएं तो आपको इस प्रकार करना गाइस, कुछ बातों का ध्यान रखना, या आप लोगों का भी माइक इस प्रकार ख़राब होता रहेगा और जो कस्टमर होगा आपको चिल्लाएगा गाइस। यहाँ पर देखो हमारा तो माइक लग चुका है गाइस, एक बार हम लोग इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसका लॉक खुल चुका है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग कैमरा पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक वीडियो शूट करते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरा फेस आपको दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पर एक वीडियो शूट करता हूँ। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका भाई करण कुमार, और गाइस यहाँ पर देखो हमारा माइक लग चुका है। अब गाइस इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर इस माइक से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ गाइस, जो मेरी आवाज़ होती है इसी माइक से रिकॉर्ड होती है। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने कट कर दिया, अब यहाँ पर सुनेंगे आवाज़ को अपनी। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका भाई करण कुमार,
और गाइस यहाँ पर देखो हमारा माइक लग चुका है। अब गाइस इसकी टेस्टिंग कर। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा माइक है एक बार पे लग चुका है, सफलतापूर्वक लग चुका है गाइस। तो इस प्रकार आपको करना है, कभी भी माइक ख़राब नहीं होगा गाइस, आप लोग इस प्रकार करोगे। मैंने आपको यहाँ पर लाइव लगा के दिखाया गाइस, आप लोग इस प्रकार माइक लगा दीजिए। जब भी आप लोग चार्जिंग जैक लगाएं गाइस, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया उस प्रकार आपको करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही गाइस, इसी माइक से आ रही, मैंने इसे नया मंगाया गाइस, ये गेनालो S13 Pro है गाइस, मुझे ये 3000 रुपये का पड़ा गाइस। तो आप लोग देख लो हमारा माइक ये वर्क कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ गाइस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो हरदम देखने को मिलती रहेंगी। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय।